रायपुर के राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जाने के कुछ देर बाद ही कुछ परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल परिजन मृतका रीवा बारले हत्या की जांच के मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होने पर नाराज होने पर इन्होंने हंगामा कर दिया। परिजनों का कहना है कि भतीजे की हत्या आरंग विधानसभा क्षेत्र के अमेठी के पास हुई है। परिजनों ने पूरे मामले की जांच के साथ ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो इस पूरे मामले को किरणमयी नायक ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि महिला आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा। पुलिस प्रशासन का एफआईआर रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि जो उस लड़की थी उसके आदमी को अंदर कर दिया उसने, और आखिरी में लिखते हैं कि उसमें और कोई लोग हो सकते हैं। इसी मांग को हम लोग उचित जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे। हम लोग सुबह 9 बजे से आए, छोटे छोटे बच्चे के लिए आए हैं। हम लोग को बैरिकेड के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया। बोले मुख्यमंत्री से बात हो रहा है, वैसे बात हो रहा है, ये सबसे मिला देंगे और जाने के बाद बोलते हैं चले भग जाए। मांग है कि एक व्यक्ति नहीं है, कई लोगों का मिला जुला षड्यंत्र है। तो मैंने एसपी साहब से भी मौके पर बात की है, एसपी ने उन्हें अपने पास बुलाया है और उसके बाद मैंने उन्हें महिला आयोग बुलाया है ताकि उनके पूरे फैक्ट्स को नोट डाउन किया जाए और उसकी पूरी निगरानी की जा सके।